हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम क्रिश 4 की न्यू अपडेट आ गई है। क्रिश 4 में प्रियंका चोपड़ा फिर से दिख सकती है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। बॉलीवुड के एक्टर ऋतिक रोशन ने इन दिनों अपनी फिल्म क्रिश 4 को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म को लेकर फैन भी काफी खुश है। अब फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एक्टर ने स्क्रिप्ट और शूटिंग को लेकर चीज फाइनल कर दी है। ऋतिक रोशन की सुपरहिट फिल्म क्रिश 4 को लेकर फैन काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। अब खबर यह है कि ऋतिक रोशन की अपनी हिट सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी की क्रिश 4 की स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है। फिल्म की शूटिंग अगले साल में शुरू हो जाएंगी। रिपोर्ट के अनुसार स्क्रिप्ट राकेश रोशन के जरिए लिखी गई थी और ऋतिक चाहते थे कि कहानी इस किस्ती के लिए शानदार हो, इसलिए उन्होंने कहानी की समीक्षा की, क्योंकि दोनों पिता पुत्र नहीं चाहते थे कि स्क्रिप्ट में गलत हो और इसलिए जूनियर रोशन ने कुछ बदलाव किए थे। अब सब फाइनल हो चुका है। ऋतिक रोशन का इस वक्त पूरा ध्यान क्रिश 4 पर है। वह इस भूमिका के लिए फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जिसका असर उनके सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है। एक्टर आए दिन अपने फिटनेस को लेकर सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। ऋतिक रोशन के लिए क्रिश 4 की फ्रेंचाइजी उनकी करियर के लिए काफी शानदार रही है। फैन ने भी क्रिश की फ्रेंचाइजी फिल्म को काफी पसंद किया है। गौरतलब यह है कि फिल्म फ्रेंचाइजी की शुरुआत कोई मिल गया से हुई थी, जिसमें प्रीति जिंटा और रेखा मुख्य भूमिका में थी। कथित तौर पर प्रीति जिंटा के लिए फ्रेंचाइजी में लौटने का कोई मौका नहीं है, लेकिन फिल्म फ्रेंचाइजी की शुरुआत कोई मिल गया से हुई थी। इसके बाद क्रिश और क्रिश 3 जैसे शानदार फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाया था। ऋतिक के साथ प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में थी। क्रिश 3 में भी यह जोड़ी बनी रही थी। रिपोर्ट के अनुसार क्रिश 4 में निर्माता चाहते हैं कि प्रियंका इस भूमिका को फिर से निभाए और उनकी रुचि जानने के लिए वे जल्दी ही उनसे संपर्क करने की योजना बना रहे हैं। टीम को उम्मीद है कि उनके साथ डील पक्की हो जाएंगी। फैन क्रिश 4 के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वही बात करें ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म के बारे में तो फाइटर में नजर आएंगे। फाइटर अगले साल गणतंत्र दिन पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे भारत की पहली हवाई एक्शन फिल्म माना जा रहा है, जिसमें अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर, सजिदा शेख समेत कई कलाकार भी शामिल हैं।